दुआएं कबूल ना होने की एक बहुत बड़ी वजह है जी, लुकमा हराम है। हम खाते हुए बिल्कुल नहीं देखते कि ये हलाल है या ये हराम है। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल, आप घर तशरीफ लाए तो आपने आके ना खाना तलब किया, तो खाना नहीं था, आटा नहीं था, रोटी नहीं बन सकती थी। आप चले गए, जब वापस आए तो आटा गूंधा हुआ पड़ा था। आपने पूछा भी आटा किधर से आया, तो घर वाले आगे से अर्ज़ करने लगे कि आपको भूख लगी थी तो हमने मोहल्ले में से ना फलां घर से आपके लिए आटा मंगाया कि जब आटा आएगा तो हम तुम्हें वापस दे देंगे। आपने फरमाया उस शख्स की जो रोज़ी है उसमें तो शुबा है, उसमें शक है कि कोई हराम शामिल है, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा, ठीक है जी, और ना ही मेरा कोई घर वाला इसको खाएगा। आप चले गए, जब वापस आए तो वो आटा नहीं था। आपने पूछा वो आटा किधर गया, घर वालों ने कहा जब आपने भी नहीं खाना, जब घर वालों ने भी नहीं खाना, एक फ़कीर आया था उसने मांगा, हमने उसको आटा दिया लेकिन देते हुए हमने कहा कि ये आटा इमाम साहब ने नहीं खाया। वो फ़कीर कहता जो आटा इमाम साहब ने नहीं खाया वो मैं भी नहीं खाऊंगा। कुर्बान जाऊं उस दौर के फ़कीरों पे भी इधर है, वो भी हलाल और हराम का इतना ध्यान रखा करते, जो आटा मेरे इमाम ने नहीं खाया मैं भी नहीं खाऊँगा, आपने भी नहीं खाया, हमने भी नहीं खाना, फ़कीर ने भी नहीं खाया, हमने दरिया दजला में फेंक दिया। आपने फरमाया ये तुमने क्या किया। फरमाते हैं अब याद रखना, जितनी देर तक जिंदा रहूंगा दरिया दजला की को मछली नहीं खाऊंगा, हो सकता है कि मछली ने वो आटा खा लिया हो। अपने लुकमे का ध्यान रखिया करो, ऐवें ना हर जगह खान बह जाया करो। दुआ कबूल ना होने की पहली वजह ये है, हम रो रहे हैं, हम गिड़गड़ा रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्यों भला। तन ते कपड़े आराम दे, उत्ते जिहड़ा गोश्त चढ़िया भी आराम दे, अंदर जरा खून फिरन डे वो भी आराम। अपना लुकमा ठीक करो, हजरत वो तो है ही देने वाला जी, अपना लुकमा ठीक करो देता है। और दूसरी बात हजरत, जिस तरह मांगना चाहिए ना हम उस तरह मांगते भी नहीं, असी मंगने भी चौधरियाँ आ रहा है, चौधरियाँ आर मंगिया तो नहीं ना लगता है, हजरत फकीर बन के मांग फिर देखा क्या क्या नहीं मिलता नहीं। हम चौधरी बन के मांगते हैं जी, फकीर बन के मांग। ये हज़रत सैयदना ताऊस रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अफरमाते मैं एक दिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुआ तो क्या देखता हूँ आपका सर मुबारक सजदे में है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ क्या कर रहे हैं, उबैदु कभी फना एक अल्लाह तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है। अब्दू का नहीं बोला, उबैदु तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है। फिर क्या कहते हैं, मिस्कीनों का भी फिना एक तेरा मिस्कीन तेरी बारगाह में हाजिर है। फिर क्या कहते हैं, साइलू का भी फिना एक तेरा सवाली तेरी बारगाह में हाजिर। फिर क्या कहते हैं, फकीरों का भी फिना एक तेरा फकीर तेरी बारगाह में हाजिर है। लापता है जो कह रहे थे वो कौन थे, जिनके लिए हज़रत जी कुरान उतरा करता था, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। जिनके लिए कुरान उतरा करता था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के शहजादे हैं आप। हजरत इस वक्त हजरत जी रूए ज़मीन पे जितने भी हुसैनी सादात हैं ना, हुसैनी सादात वो सारे आपकी नस्ल पाक में से हैं। लेकिन आरजी देखो, उबैदु का बिफिनाइक तेरा बंदा तेरी बारगाह में आता है जी, मिस्कीनों का बिफिनाइक तेरा। ओ भाई हम तो हैं ही फकीर ना, अरे वो तो शानों वाले थे जी, लेकिन आज भी देखो इस तरह मांगा जाता है हजरत जी, जिस तरह हम चौधरी बन के मांगते हैं इस तरह नहीं मिलता। साइलू का भी फिनायक तेरा सवाली तेरी बारगाह में हाजिर है, फकीरू का भी फिनायक तेरा फकीर तेरी बारगाह में हाजिर है। हजरत ताऊस फरमाते हैं, फरमाते उसके बाद मुझे जब भी कोई मुश्किल पड़ी मैंने इन्हीं अल्फाज से, जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अल्फाज से कहते, मैंने इन्हीं अल्फाज से अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। आज जी फिर मंगो हाँ कभी इतने आके
रिकवा मिलता कि नहीं मिलता है, क्योंकि वारशाह फरमाते हैं चूड़ियाँ वाली हैं नाजो खावन ते दूर निकालियाँ जावन चिक्कड़ परियाँ इजाज हावन ते कुरबु दूर पावन नजर दें। ठीक है जी, खाना हलाल है और आज दी से मांगना है। अदर जी वो तो कह रहे थे ना, उबैदू का साइलू का मिसकीनू का फकीरू का, ठीक है जी, लेकिन पुत्र हमें तो और बड़ा कुछ कहना चाहिए। या अल्लाह तेरा गुनागा, या अल्लाह तेरा ना फरमा, या अल्लाह तेरा एक भागा हुआ बन, हमें तो और बड़ा कुछ कहना चाहिए। वो तो उबैदू का साइलू का फकीरू का,